This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghaffur Beverages. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nazrin <coughs> I am Engineer Ahmad Khan. मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं एक आबी माहर हूँ और मैंने ज़िंदगी का हिस्सा एक इंजीनियर होने की हैसियत से इरिगेशन डिपार्टमेंट में गुजारा है मैं डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टोरेट भी रहा हूँ मैं डायरेक्टर नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम भी रहा हूँ और पाकिस्तान के और आलमी सतह पर खूब पाकिस्तान के जो आबी मसाइल हैं उन पर मेरा ी तज़र्बा भी है और तहक़ीक भी है आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के पानी के जो मसाइल हैं उसके हवाले से एक नहात अहम जो मौजू है मैं उस पर बात करने चला हूँ बदकिस्मती से इस मौजू पर पाकिस्तान में बहुत कम बात हुई है और आम आवाम तो दरकिनार हमारे जो हुकुमरान हैं हमारे जो लीडर हैं उनको भी इस मसले की अहमियत और संगीनी का बदकस्मती से इदराक नहीं है एहसास नहीं है और ये जो मसला है जिस पर मैं आज बात करने चला हूँ वो है सिंध आश्मदा जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं हमारे हुक्मरानों को भी इस माहे की अहमियत इसकी संगीनी कलम नहीं है आप पाकिस्तानी की तो का तो क्या कहना आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको इस माह की हकीक़त इसके तारीख़ी पस मंज़र और इसमें जो अहम दफ़ियात हैं और जिसकी बिना पर हिंदुस्तान इंडिया हमारा अजली दुश्मन पाकिस्तान पर उसने अभी जारहीत मुसलत की हुई है एक लंबे अरसे से उसमें भारत की आबी जारहीहियत में इस महजे का कितना हिस्सा है वह मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा। और फिर ये भी बताऊंगा कि हम इस सूरत हाल से कैसे उहदा बरा हो सकते हैं हाजरीन आप जानते हैं कि उन्नीस में ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान भारत वजूद में आया आपने भारत की अबी का सुना होगा अखबारों में आता रहता है लेकिन लोगों को ये नहीं पता लोग ये समझते कि शायद भारत की आबी जहरीत जो है वो अभी कोई मादी करीब का कोई फिनोमिन है कोई अमल है नहीं ऐसा नहीं है बल्कि भारत की आबी जहरीत पाकिस्तान के वजूद में आते ही शुरू हो गई थी और आपके ये तारीख का मैं आपको सुना रहा हूँ और ये पाकिस्तान के सबक वज़ी अजम चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी किताब एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में यह वाक्य लिखा है कि भारत का जब बंटवारा हुआ तो रेड क्लिफ अवार्ड के तहत इन तईब बदती की गई लॉर्ड माउंट बैटन ने और लॉर्ड माउंट बैटन के इमा पर रेड क्लिफ ने गुरदासपुर का जो था ज़िला जो कि मुस्लिम अक्सरियत का जिला था वो भारत के हवाले कर दिया ये आबी जारियत वहीं से शुरू होती है उस वक्त भारत दो बड़े हेडवर्क्स रावी पर माधोपुर और सतलुज पर फिरोजपुर हेडवर्क्स जिला फिरोजपुर भी मुस्लिम अक्सरियत का जिला था लेकिन ये दोनों गुरदासपुर और फिरोजपुर ये रेडक्लिफ ने इंडिया को दिए और उसके पीछे जो साजिश थी वो ये थी कि फौरी तौर पर जो हेडवर्क्स हैं माधोपुर रावी पर जिसे अपर बारी दुआब केनाल निकलती थी और नीचे फिरोजपुर हेडवर्क्स जिसे गंगा सिंह वाला हेडवर्क भी कहते हैं वहाँ से दीपालपुर कैनाल निकलती थी और एक ईस्टर्न कैनाल, ये तीन बड़ी नहरें निकलती थी इन दो हेडवर्क से जबकि भारत में जो भारत के इसमें जो मशर्की पंजाब आया था उसमें उसको शराब करने वाली सिर्फ तो एक बीका नहर, नहर जो नहर थी वो निकलती थी जिससे भारत में सात लाख एकड़ जबकि जो मगरबी पंजाब है जो पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आया उसमें सत्रह लाख एकड़ जो रकबा था वो इन नहरों से खराब होता था इन चार नहरों से बीकानेर दीपालपुर अपर बारिद्वाब और ईस्टर्न तो पार्टीशन के वक्त यह तय हुआ कि इन नहरों का जो पानी है वो जो इन नहरों का ऑथराइज वाटर सप्लाई है वो इनको मिलती रहेगी हमेशा के लिए ये तय हुआ था पार्टीशन पंजाब पार्टीशन कमेटी में जिसमें चौधरी मोहम्मद अली हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदा थे उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कमेटी जब बैठी तो इंडिया के जो मैन थे उन्होंने कहा जी कि ये तो कोई मसला ही नहीं है ये तो जो क्योंकि ये नहरें यहां से निकलती हैं और ये जो पानी है ये जब से नहरें बनी है ये पानी चल रहा है तो ये तो चलता रहेगा इसको तो कोई नहीं रोक सकता लेकिन हुआ क्या कि यकम अप्रैल 1948 के दिन भारत ने इन तीनों नहरों जो कि पाकिस्तान जनूबी पंज, मगरबी पंजाब को शराब करती थी दीपारपुर केनाल अपर बारी द्वाब कैनाल और ईस्टण कैनाल यह अपर बारी द्वाब केनाल का ही एक कनाल जो लाहौर के दरम्याम से गुजरती है तो ये माधोपुर से पानी आता था तो ये अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को, को इंडिया ने इन नहरों का पानी बंद कर दिया और ये जहरीत वहीं से शुरू हुई और ये वो वक्त था जब यहाँ सत्रह लाख एकड़ ज़मीन पर खरीफ की फ़सल काश्त होनी थी चुनाचे उस वक्त के हमारे वज़ी ख़जाना जो थे गुलाम मोहम्मद जो के बाद में गवर्नर जनरल बने वो और मियाँ मोहम्मद मुमताज़ालताना ये मिनिस्टर थे पंजाब के और सरदार शौकत हयात ये तीनों एक कमेटी गई दिल्ली ये लोग वहाँ जाकर मिले उन्हाड़ माउंट बैटन से भी और नेहरू से भी तो नेहरू ने कहा कि उन्होंने एक बयान एक तहरीर हमारे कमेटी के सामने रखी कि आप यहां पहले दसल करके जाएं कि इन नहरों के ऊपर यह जो पानी है इन आपका कोई हक नहीं है और आप आइंदा दस साल के अंदर इसका मुतबाद इंतजाम करेंगे पानी का दूसरे दरियाओं से तो तब हम ये पानी आपको रिलीज करेंगे छोड़ेंगे ये जवाहरलाल नेहरू ने इशरत रखी चूंकि उस वक्त खरीफ की फसल काश्त होने वाली थी सत्रह लाख एकड़ रकबे के ऊपर तो ये मजबूर होकर गुलाम मोहम्मद उस पर दशत कर दिए और तब उन्होंने पानी छोड़ा यह पहली है आबी जात भारत की जो एकम अप्रैल 1948 को शुरू हुई उसी रेड क्रॉफ एवॉर्ड में गुरदासपुर और का जो ज़िला था वो भी इंडिया को देने का जो मकसद था वो ये था कि हिंदुस्तान को इंडिया को कश्मीर के ऊपर कब्जा करने का रास्ता मिले क्योंकि एक ही रास्ता था एक ही लिंक था जो कि ज़िला गुरदासपुर से सड़क जाती थी और कोई लिंक नहीं था तो गुरदासपुर का ज़िला इंडिया को देने का जो मकसद था वो भी ये साजिश का हिस्सा थी कि कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया जाए और फिर क्योंकि कश्मीर में से ये जितने या भी आते हैं वो ज्यादातर कश्मीर में से आते हैं तो अगर कश्मीर इंडिया के कब्जे में होगा तो पाकिस्तान के दरियाओं में जो पानी है उसके ऊपर भी इंडिया का कंट्रोल होगा तो ये साजिश उसी वक्त ही तैयार हुई थी फिर हुआ ये ये मैं आपको एक तारीख की पशमंदर जो है मैं आपको आपकी पेश कर रहा हूँ फिर हुआ ये कि जब हम पाकिस्तान इंडिया की पहली जो उसकी आबी जारियत थी हम सिलेंडर कर गए और मजबूर हो गए क्योंकि अगर वो पानी उस वक्त ना आता तो सत्रह लाख एकड़ रकबे के ऊपर खरीफ की फसल काश्त नहीं हो सकती थी मजबूरन दस करने पड़े भारत की जारियत के सामने हथियार डालने पड़े इस इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आर्मी अदालती इंतजाम में चले जा जाते हैं लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे आपको यहाँ इस तरह प्रदर्शन करने पड़ेंगे चुनाच ये पहला वाक्य है जारियत का फिर हुआ ये कि रफ्ता रफ्ता उन्नीस सौ पचास की दहाई में भारत ने यह मुतालबा शुरू कर दिया कि तीन मशर दरिया सतलुज रावी और ब्यास ये वो तीन द्रिया हैं जिनमें से ग्यारह बड़ी नहरें ग्यारह बड़ी नहरें मेन कैनाल निकलती थी कहां से मैंने जैसे पहले बताया माधोपुर से अपर वाली द्वाब कैनाल फिर उसके बाद नीचे फिरोजपुर हेडवर्क से दीपारपुर कनाल ईस्टर्न कनाल फिर फेरोजपुर से नीचे सलेमान की हेडवर्कस उससे तीन बड़ी नहरें फिर उससे नीचे इस्लाम हेडवर्क्स जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से तीन नहरें निकलती थी और फिर पंच हेडवर्क्स तो ये जो हैं ग्यारह बड़ी नहरें इन इंद्रियाओं से रावी और ब्यास से निकलती थी जो कि मोस्टली सेंट्रल पंजाब और पूरा जनूबी पंजाब कुछ सेंट्रल पंजाब का हिस्सा और फिर हमारे साथ का बाद तक हमारे जो हैं कसूर से लेकर साहिबाना और मुल्तान और आगे भावलपुर और रहीम यार खां साद का बाद तक ये नहरें इस पूरे इलाके को शराब करती थी तो भारत ने यह मुतालबा शुरू कर दिया कि ये तीन दरिया जो हैं वो हमारे हवाले किए जाए ईस्टर्न रिवर्स जो हैं रावी और ब्यास लेकिन उस वक्त के जितने भी हमारी लीडर आए उन्होंने भारत के इस मुताबे को तस्लीम नहीं किया फिर हुआ ये कि रफ्तार रफ्तार पाकिस्तान के ऊपर अमरीका की गिरफ्त अमरीका का असर बढ़ता गया और एक वक्त आया कि अमेरिका ने पहली दफा उन्नीस सौ में पाकिस्तान पर यह दबाव डाला कि आप ये तीन दरिया भारत के हवाले करें क्योंकि अमेरिका बड़ा आ, आ, इंडिया बड़ा मुल्क था और रूस या सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट मिलाक था इंडिया को उसमें जाने से बचाने के लिए इंडिया ने अमेरिका से और बरतानिया से कहा कि आप हमें ये तीन दरिया पाकिस्तान से लेकर दें तो तब हम गैर रहेंगे वरना हम सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट मिलाक के साथ चले जाएंगे चुनाची तो अमेरिका ने और बरतानिया ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया भारत को विन करने के लिए कि आप ये तीन दरिया इंडिया के हवाले करें और अपने इन नहरों को जो बाकी तीन मगरबी दरिया हैं दरिया जेहलम चनाब और सिंध वहाँ से लिंक कैनाल्स के जरिए और डैम्स के जरिए आप इन नहरों को पानी अपने जो कि जनूबी पंजाब को और सेंट्रल पंजाब को ये वो नहरें जो कि दरिया रावी और सतलुज से निकलती हैं उन नहरों को रामता नहरों के जरिए दरिया जो मगरबी दरिया हैं दरिया जेलम चनाब और सिंध वहां से पानी इनको ट्रांसफर करें फिर हुआ ये कि लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने सबने अमरीका के इस मुताबे को रजिस्ट किया नहीं तस्लीम किया फिर हुआ बदकस्मती ये हुई कि वो शख्स हुक्मरान बन गया जिसको कौम कहती है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद अयूब खान जनरल अयूब खान साहब ने इंतजार में है और अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका की खुशामद में उन्होंने वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक जो कि अमेरिका का एक आला है हम जैसे मुल्कों की मीशतों को कंट्रोल और तबाह करने के लिए जो अमेरिका का सबसे बड़ा आला है इंस्ट्रूमेंट है आपको पता है कि आलमी बैंक का सदर हमेशा अमेरिका सदर अमेरिका उसका मुक्र करते हैं और वो अमेरिकी होता है तो अयूब खान साहब ने अमेरिका की खुशी में अमेरिका को खुश करने के लिए वर्ल्ड बैंक को मीडिएटर सालिश मुकर कर लिया कि जी आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पानी के तनाजे इसको हल करें चुनाचे सितंबर 1960 में ये वहदा यह वहदा जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं सिं तास महदा कहते हैं यह मारदे वजूद में आया अयूब खान ने इस महदे पर दस्त किए और तीन मिशर की दरिया सतलुज रावी और ब्यास जिनमें तैतीस मिलियन एकड़ फुट पानी सालाना तकरीबन औसन इन तीन दरियाओं में आता था सारा नाम जिसमें से भारत का जो हिस्सा था सिर्फ सात मिलियन एकड़ फुट सात मिलियन एकड़ फुट वो भारत का हिस्सा था जबकि 25 में पच्चीस छब्बीस मिलियन एकड़ फुट पानी जो है रकबे के लिहाज से और नहरों के हवाले से वो पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन अयूब खान ने वो पूरा तैतीस मिलियन एकड़ फुट पानी जो कि कुदरत की तरफ से क्यामत तक रहने वाला एक एक रिसोर्स था वो इंडिया के हवाले कर दिया आज हम खुश होते हैं कि जी अयुब खान ने डैम बनाए, ये इसी मुहदे के तहत ये जो मंगला और तरबिला डैम बने और चौदह राबता नहरें बनी के जो तीन मगरबी दरिया हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में है चनाब जेलम और सिंध उनमें से पानी लेकर ये दो डैम जो हैं मंगला और त्रपेला ये पानी भरेंगे और फिर राबता नहरों के जरिए इन डैमों के जरिए पानी मुहैया किया जाएगा जनूबी पंजाब की लहरों को तो मेरे भाइयों ये है वो कीमत जो हमने अदा की जिस पर कौम कहती है कि तेरी याद आई हम तो कहते हैं इवन हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि जी अयुब खान साहब ने डैम बनाए लेकिन ये कितनी बड़ी ये खंजर खोपा गया पाकिस्तान के सीने में कि हमारे वो जो कुदरत का वो जो वसीला था वो दुश्मन मुल्क के मुकम्मल हवाले कर दिया गया और ये जुल्मे इसके बावजूद हुआ कि जो आलमी कानून है दरियाओं का वो वाजहे तौर पर यह है कि कोई भी दरिया जो एक से ज़्यादा मुल्कों के दरम्यान से गुजरेगा जिन जिन मुल्कों से दरिया गुजरेगा उन सब मुल्कों का उसमें हिस्सा है अब दरिया नील जो है वो तंजानिया से शुरू होता है युगंडा सूडान और इथोपिया इथोपिया से शुरू होता है फिर तंजानिया में आता है योगा में आता है सूडान में आता है फिर मिसर में आता है तो यह सब जो मुल्क है इनका बकायदा उसमें हिस्सा मुकर है सब उसमें हिस्सादार है बिकांग डेल्टा है आठ मुल्कों में से गुजरता है चाइना से शुरू होकर थाईलैंड तक और उसके ऊपर सब मुल्कों का दुनिया में दो बड़े मुल्क बड़े दरिया है जो कि एक सौ एक सौ से एक से ज्यादा मुल्कों में से गुजरते हैं और हर मुल्क का उसमें बाकायदा हिस्सा मुकरर है

ये हो गया कि पाकिस्तान इसमें से एक लीटर पानी भी इस्तेमाल नहीं करेगा यह पूरा मुकम्मल तौर तो पर इंडिया का हिस्सा हो गया लेकिन जो तीन दरिया हमारे हिस्से में आएल और सिंध, उनके ऊपर अयूब खान साहब ने इजाजत दे दी कि आप कश्मीर में जरात के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप पानी स्टोर कर सकते हैं और ये ये वो शिक है जिस शिक के तहत मग, तीन मगरबी जो दरिया हैं उन पर जो इजाजत दी गई है इंडिया को आज इंडिया उसके ऊपर वो आप जारहियत कर रहे हैं उन तीन दरियाओं पर भी जो हमारे हिस्से में आए थे होना तो यही चाहिए था कि जैसे इन तीन दरियाओं के ऊपर अगर ये तीन दरिया देने भी थे जब इन तीन दरियाओं के ऊपर ये हो गया इंडिया कर दिया कि पाकिस्तान इसमें से एक कतरा पानी भी नहीं लेगा तो जो तीन दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे उन पर भी ये शर्त होनी चाहिए थी कि इंडिया में से एक कतरा पानी भी नहीं लेगा नहीं लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन तीन दरियाओं के ऊपर इजाजत दे दी गई कि आप यहां स्टोरेज भी कर सकते हैं टू पॉइंट एट फाइव मिलियन एकड़ फीट की आप यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फिर आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं तो आपने सुना कि बगलिहार डैम का में हम मुकदमा अपना हार गए अभी रिसेंटली किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया ने दरिया जेलम का पानी डाइवर्ट कर लिया है चुनाव के ऊपर हेडवर्क भी बन रहे हैं स्टोरेजेस बन रही हैं। आप जाकर मुराला जाकर देखें कि द्रिया जो चनाब है वो भी खुश्क होता जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि रावी और सतलुज को आप देखेंगे रेत उड़ रही है तो इन तीन दरियाओं के ऊपर भी इंडिया अपना जो है वो अभी कर रहा है लेकिन बदकिस्मती की जो बात है जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे हुक्मरानों को आज तक आज तक किसी हुक्मरान ने इस इस महदे की बात नहीं की कि ये ये महदा जो सांप बनकर कौम को डस रहा है पाकिस्तान को डस रहा है इस पर कोई बात भी नहीं करता है यानी इंडिया डैम पर डैम बनाए जा रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है और हमारे हमारा जो इंडस वाटरटीटी कमीशन है वो बैठे हुए हैं और मुझे मैं आना कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात है बहुत बुरी बात है लेकिन हमारा जो कल्चर बन चुका है मुझे इस पर शक है बल्कि यकीन है कि हमारे इंडस वाटर कमीशन में और हमारे जो आ, 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 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है उसमें शायद कुछ लोग बैठे हुए हैं वरना हम बागलीहार डैम का मुकदमा आ, नहीं हारते क्यों हम हारे इसलिए कि हमारा इंडस वाटर कमीशन और हमारे जो हुकाम है आ, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में वो सोए रहे उन्होंने वक्त पर जो है वो वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेटर है उस पर अपना केस ही लेकर गए भालीहाट डैम का और इसी तरह किशन गंगा प्रोजेक्ट का भी बिल्कुल यही हुआ कि जब किशन गंगा बन गया ऑपरेट हो गया नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तार कर दिया उसके बाद हम गए अपने इंट, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के पास और वजह क्या थी कि हमारे हुकाम जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो भारत के जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत की आप जारहियत को उकरे वो या सो रहे हैं या गफलत की उन्होंने या जान कर शायद वो भारत की एजेंटी कर रहे थे बिके हुए थे तो मेरे भाइयों और बहनों बुजुर्गों जब तक कौम जब तक आप नहीं उठेंगे जब तक आप नहीं समझेंगे हमारे हुक्मरान बिल्कुल सोए रहेंगे आप उठे आवाज उठाए कर रहा है और जो प्रोजेक्ट्स बना रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और स्टोरेजेस बना रहा है हमारे इंडस वाटर कमीशन एक कमीशन मुकर किया जाए एक जो इसकी तहकीक करे कि हम बागलीहार डैम का मुकदमा क्यों हारे हम किशन गंगा का मुकदमा क्यों हारे हमारे हुकाम जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो भारत की आबीजारुख करता वो कहां थे जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे तो ये हमारे अपने इंडस वाटर कमीशन में और हमारी अपनी जो वाटर पावर में मुझे मुझे अफसोस ही कहना पड़ता है लेकिन जो हमारा कल्चर बन चुका है जिस तरीके से हमारे अंदर गद्दार और बिकने वाले लोग होते हैं मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि इसकी इसका एहतसाब किया जाए बंगले डेम में क्यों न हारे किशन गंगा में क्यों हम हारे उनको पकड़ा जाए जब तक उनकी गर्दनों में हाथ नहीं डाला जाएगा ये लोग बैठे हुए ढससे रहेंगे तो मेरा पहला मुतालबा ये है हकूमत से कि बगलिहार डैम और किशन गंगा हाइड्रोपा प्रोजेक्ट उसके लिए एक, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीक करे इसका तयन करे कि हमें क्यों हाले जब तक ये नहीं होगा भारत की आप जारियत जारी रहेगी और ये माह इंडस वाटर ट्विटी साफ बनकर हमें डस्ता रहेगा आज का ये जो प्रोग्राम है मैं आपका तहद से मशहूर हूँ आपने ये मेरा मेरी टॉक जो है आपने सुनी होगी इन ये मक्स स्पेशल में इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान इनशा फिर आपकी शिदत में हाजिर होगा और आपको पाकिस्तान के जो पानी से मतलक दिगर अहम मसले हैं जैसे कि काला बाग डैम का मसला है दूसरे डैमों का मसला है हम डैम क्यों नहीं बना पा रहे बिजली का बुरहान क्यों है हम पानी कैसे क्यों जाय कर रहे हैं पानी की पॉल्यूशन के मसाइल हैं पानी की जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी का तो ये सब इनशा मक्स स्पेशल प्रोग्राम में इंजीनियर मुमताज अहमद खान इनशा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा और आपको इन तमाम मसाइल से मुझे आगाह करेगा वस्सलाम दिस प्रोग्राम इज स्पॉसर्ड बामा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल वॉश Gulistan Property Marketing SM Foods Volca Foods International and Al Ghafour Beverages. <laughs>